क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक्स मोड पैक है और ये हाई एंड फोन्स के लिए मेनली डेवलप हुआ है। जहाँ पे चला रहा हूँ जो कि GTA ऑनलाइन का एक व्हीकल है, गेम प्ले था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे मोड पैक की यही लगी, इसमें एक्चुअल में बहुत सारी तो वेलकम करता हूँ आज के एक और न्यू वीडियो के अंदर। प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको GTA 5 का एक न्यू ग्राफिक्स मोड पैक जो कि प्रोवाइड करने वाला है GTA 5 रियल एक्सपीरियंस इन योर GTA San Andreas एंड्रॉयड। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मोड पैक के अंदर प्रोवाइड होगा आपको GTA 5 की बहुत सारी व्हीकल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि रियल GTA 5 के अंदर एग्जिस्ट करती है। और GTA ऑनलाइन की जो व्हीकल्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। दैट इज़ सो अमेजिंग। और वो सभी चीज़ें आपको इस वाली आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि GTA से रिलेटेड कॉन्टेंट्स चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है करके बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑल पे कर दो, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन आएंगे और आप रहेंगे अप टू डेट टू माय वीडियो। ये वीडियो मैंने बनाई है उन लोगों के लिए जो कि खेलना चाहते हैं GTA 5 को अपने एंड्रॉइड के अंदर, लेकिन नहीं खेल पाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी पीसी, एनी हाई एंड पीसी। डोंट वरी गाइस, यार ये वाला मोड पैक प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको GTA San Andreas एंड्रॉइड के लिए, जो कि प्रोवाइड करेगा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस और देगा आपको नई नई कार्ड जो कि रियल GTA 5 के अंदर एग्जिस्ट करती है। एंड अगर इस गेम को डाउनलोड करने के बाद आपका गेम क्रैश होता है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने क्रैश रिलेटेड बहुत सारी सी वीडियोज़ बना रखी है। आप सभी वीडियोज़ को जाकर के देख सकते हो इस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करके जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है। यहाँ पे आपको जाना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बाय द वे, आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लो, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो जल्दी से जा करके। और जो भी अगर आपका गेम कैसे भी अगर क्रैश करता है, इस प्लेलिस्ट में आपको वो सब वीडियोस मिल जाएगी अगर गेम प्ले आपका क्रैश करता है। ऑल्दो ये मोड पैक पूरा टेस्टेड है, मैंने अपने एंड्रॉयड 12 के अंदर इस मोड पैक को रन करके देखा है, ये बहुत अच्छे से चला है। और एंड्रॉयड 13 के अंदर आप अगर चलाना चाह रहे हो तो हो सकता है कुछ इश्यूज़ आ जाएंगे। ऑल्दो मैं श्योर हूँ कि कुछ इश्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन कुछ फ़ोन में इश्यूज़ आ जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो अगर किसी भी तरीके का क्रैश हो रहा है। और अगर वो क्रैश फिर भी नहीं फिक्स होता है तो आप सीधा मुझे DM करो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपको डायरेक्ट मैसेज सेंड करूँगा एंड वहाँ से आप एक्चुअली जो है अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। मैं गेम प्ले की तरफ लेके चलता हूँ, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं, लेट्स गो इनटू द गेम प्ले। सो गेम प्ले में यू हैविंग मोस्ट ऑफ द GTA 5 कार्ड जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे ज़्यादा मैं चीज़ अमेज्ड हो गया था ये देख करके कि यहाँ पे GTA ऑनलाइन की व्हीकल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि आपकी कुछ स्पोर्ट्स कार्ड्स हो गई और उसके अलावा आपके ऑपरेसर हो गया जो कि GTA ऑनलाइन के अंदर आप देखते होंगे गेम प्ले के अंदर, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। दैट इज़ सो अमेजिंग। और इतना ही नहीं यार, जो स्पोर्ट्स कार्ड्स है वो तो आपको कुछ एडवांस लेवल के देखने के लिए मिलने वाले हैं, GTA 5 के कुछ स्पोर्ट्स बाइक्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। दैट इज़ एक्चुअली वेरी अमेजिंग। जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था इस वाले ग्राफिक्स मोड पे के अंदर, और भी बहुत चीज़ें ऐसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ऑपरेसर यहाँ पे चला रहा हूँ जो कि GTA ऑनलाइन का एक व्हीकल है, और इसको हमने GTA San Andreas के अंदर यहाँ पे इम्पोर्ट करवाया है। और उसके अलावा आप अगर इसका व्यू एंगल्स देखोगे, आप इनके यू नो ट्रीज़ वगैरह देखोगे, तो वो सब कुछ चेंज कर दिए गए हैं। और जो व्हीकल्स है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे GTA 5 की स्टोरी मोड वाली व्हीकल आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि GTA 5 के फर्स्ट मिशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, वो वाले जो व्हीकल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। दैट इज ऑल्सो सो अमेजिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो किलोमीटर पर आवर का जो आपको टैब होता है वो भी आपको अपने गेम प्ले के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, और जो आपको मैप देखने के लिए मिलेगा वो भी ऑब्वियसली आपका GTA 5 का रहने वाला है। और उसके अलावा यहाँ पे आप जब पुलिस के स्टार्स आप लगे हुए देखोगे अपने गेम प्ले में, तो वो भी आपको GTA 5 के स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट देखने के लिए मिलेगा। ऑल्दो ऐसे बहुत सारे ग्राफिक्स मोड पैक है GTA 5 से रिलेटेड इस टाइप के ही, बट इस वाले ग्राफिक्स मोड में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कार्स देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक की। स्काई बॉक्स के ऊपर मैं आ रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट करे, स्काई बॉक्स इज इनसेन, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो स्काई बॉक्स, इट इज़ रियली इनसेन।
यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे अगर अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि जो स्काई बॉक्स है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है, इतना अच्छा स्काई बॉक्स। और ये तो अभी मिड का वेदर है तो उसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप सनी वेदर में करोगे तो एक्चुअली गेम बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि आपने गेम प्ले के अंदर देखा ही है। तो गाइज दैट वॉज द गेम प्ले, आपने जो देखा ये लिटरली में एक बहुत बढ़िया गेम प्ले था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे व्हाट्सएप की यही लगी, इसमें एक्चुअल में बहुत सारी सी कार्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। स्काई बॉक्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी क्राफ्टिंग मोड पैक, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन दिस पर्टिकुलर ग्राफिक्स मोड पैक। तो यहाँ पे एक्चुअल में पूरा का पूरा क्रेडिट इसके जो है क्रिएटर को ही जाता है जिसने इस गेम को बनाया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने इसके अंदर कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर, तो यार मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक के बारे में कि यार देखो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये एंड्रॉयड 9 से नीचे के वर्जन में चलेगा, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड 9 से नीचे का कोई ऐसा एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है। बट आई एम प्रीटी श्योर क्योंकि इसमें जिस तरीके से टेक्सचर्स यूज किए गए हैं मैं समझ सकता हूँ कि ये वाला जो ग्राफिक्स मोड पैक है वो एक्चुअल में आप देख सकते हो लो एंड डिवाइस में चला करके। लेकिन हाँ गाइज मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो प्लीज़ इस वाले मोड पैक को मत डाउनलोड करना, क्योंकि ये वाला ग्राफिक्स मोड पैक एक्चुअली बहुत ज़्यादा लैग करेगा आपके लो एंड डिवाइस के अंदर। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि मैंने एंड्रॉयड 12 के अंदर इसको चलाकर देखा है, उसमें भी ये थोड़ा बहुत लैग किया था सेटिंग्स को कम करने के बाद में, थोड़ा सही चल रहा था क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक्स मोड पैक है और ये हाई एंड फोन्स के लिए मेनली डेवलप हुआ है जितना मुझे लगता है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, दैट इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग। बट वो रिसोर्सेज भी एट द सेम टाइम कंज्यूम करते हैं आपके फोन के। सो प्लीज गाइज ये चीज को आप समझ करके गेम को डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन पे आता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इंस्टॉलेशन का जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है इंस्टॉलेशन के ऊपर, आप उस इंस्टॉलेशन वीडियो को जाकर के देख सकते हो। सभी इंस्टॉलेशन जो ग्राफिक्स मोड पैक होते हैं उनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम होता है, और वो वाले आपको जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के आप वीडियो को देख सकते हो। आपको कोई इशू नहीं आने वाला है बिकॉज मैंने सब चीज़ें क्लियर करी हुई है। अगर गेम क्रैश करता है तो आप गेम की जो क्रैश वाली मेरी प्लेलिस्ट है वो आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपका गेम इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में आपको समझ में नहीं आता है इंस्टॉलेशन कैसे करना है, आप वो भी वीडियो देख सकते हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, GTA 5 का आपको ग्राफिक्स मोड पे का गेम प्ले भी दिख गया हो। अगर हो गई हो सारी चीज़ें क्लियर तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आगे हम और क्रेजी चीज़ें करने वाले हैं GTA 5 PC के अंदर भी, तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय गाइज़।